गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस TCP/IP प्रोटोकॉल सूट. TCP/IP प्रोटोकॉल सूट वॉज डेवलप्ड प्रायर टू द OSI मॉडल. देयरफोर द लेयर्स इन द TCP/IP प्रोटोकॉल डू नॉट एग्जैक्टली मैच दोज इन द OSI मॉडल. एज वी हैव ऑल स्टडीड दैट OSI मॉडल कंटेन्स 7 लेयर्स इन कंपेरिजन टू विच TCP/IP कंटेन्स ओनली 4 लेयर्स. दोज आर host-to-host layer, host-to-network layer, IP layer, transport layer and application layer. Basically, host-to-network layer is equivalent to the combination of physical and data link layer. Internet layer is equivalent to the network layer. The application layer is roughly doing the job of session, presentation, application layer. Okay. Now we come upon the host to network layer. The host has to connect to the network using some protocol so that it can send IP packets over it. This protocol is not defined and varies from host to host and network to network. Basically, host to network layer kya hai? Ki jabhi bhi hamein network se connect karna ho, to humari host to network layer help karti hai. Okay? With the help of some protocols. It send IP packets over it. IP packets transfer karta hai. And this protocol is not defined and varies from host to host and network to network. Next we come upon the network layer. Clear? Network layer, that is internet layer. Here we see internet layer or network layer. At network layer, TCP/IP supports the internet working protocol or internet protocol, that is IP protocol. है ना, network layer कौन सा protocol support करती है? IP protocol support करती है. IP, that means internet working protocol or internet protocol. And in turns, it uses 4 supporting protocols: ARP, RARP, ICMP and IGMP. Now, what are the functions of internet working protocol? IP is the transmission mechanism used by TCP/IP protocol. It is unreliable and connectionless protocol. Clear? A best effort delivery service. IP transport data in packets called datagram, each of which is transported separately. Basically, जो IP protocol है, वो datagram technique से packets को आगे transmit करती है. Datagram packet में क्या, technique में क्या है? अकॉर्डिंग टू डेटाग्राम टेक्निक, जितने भी पैकेट्स हैं वो हम सेपरेटली आगे ट्रांसमिट करते हैं. उनका कोई ऑर्डर नहीं रहता एज सच. क्लियर? तो इसमें क्या लिखा है, डेटाग्राम कैन ट्रैवल अलोंग डिफरेंट रूट्स एंड कैन अराइव आउट ऑफ सीक्वेंस और टू बी डुप्लीकेटेड. यानी वो रिसीवर एंड पर भी आउट ऑफ सीक्वेंस ही आते हैं. यानी यहाँ पर हमारे पैकेट्स का कोई ऑर्डर, हमारे डेटाग्राम का कोई ऑर्डर नहीं होता. क्लियर? अब इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, जैसे आपका इसमें एक है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, दैट इज़ ARP. ARP का क्या काम है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है. यानी डेट मीन्स ये कुछ एड्रेसिंग पे वर्क कर रहा है. ARP इज़ यूज टू एसोसिएट अ लॉजिकल एड्रेस विथ फिजिकल एड्रेस. एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है फिजिकल एड्रेस के साथ. ARP इज़ यूज टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ द नोड व्हेन इट्स इंटरनेट एड्रेस इज नो. जब उसका IP एड्रेस पता होता है तो उसका फिजिकल एड्रेस को डिटरमाइन करता है. क्लियर? नेक्स्ट आता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन कंट्रोल. इट अलाउज अ होस्ट टू डिस्कवर इट्स इंटरनेट एड्रेस व्हेन इट नोज ओनली इट्स फिजिकल एड्रेस. ये इंटरनेट एड्रेस को प्रोवाइड करता है जब उसका फिजिकल एड्रेस पता हो. ICMP, दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इज अ मैकेनिज्म यूज टू होस्ट एंड गेटवे टू सेंड नोटिफिकेशन ऑफ डेटाग्राम प्रॉब्लम्स बैक टू द सेंडर. यानी अगर डेटाग्राम डिलीवरी के टाइम पे, अगर रूट पे कोई डेटाग्राम की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को वो किसको इंटीमेट करता है? सेंडर को इंटीमेट करता है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द डेटाग्राम, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द पैकेट्स. ICMP सेंड्स क्वेरी एंड एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस. कोई भी एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस होंगे वो सेंडर पे ट्रांसमिट करता है. Now next, IGMP, that is Internet Group Message Protocol, is used to facilitate the simultaneous transmission of a message to a group or to the group
टू रेसिपिएंट्स, मतलब अगर एक से ज़्यादा रेसिपिएंट्स है, अगर कोई ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट्स है, उन पर अगर कोई डेटा ट्रांसमिट करना है साइमल्टेनियसली, तो उसको फैसिलिटेट करता है IGMP। क्या नेक्स्ट आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर वॉज रिप्रेजेंटेड इन TCP/IP बाई टू प्रोटोकॉल्स, TCP एंड UDP। TCP इज़ द ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP इज़ द यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। IP इज़ अ होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल, मीनिंग दैट इट कैन डिलीवर अ पैकेट फ्रॉम वन फिजिकल डिवाइस टू अनदर। UDP एंड TCP आर ट्रांसपोर्ट लेवल प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम अ प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, है ना। क्या डिफरेंस है? IP जो है वो होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल है, मीनिंग दैट इट कैन डिलीवर अ पैकेट फ्रॉम वन फिजिकल डिवाइस टू अनदर। एक फिजिकल डिवाइस से दूसरे फिजिकल डिवाइस में अगर ट्रांसमिट करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो IP है। और जहाँ पर TCP और UDP क्या है, ये डिलीवरी करते हैं लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। एक रनिंग प्रोसेस से, एक रनिंग प्रोग्राम से दूसरे रनिंग प्रोग्राम में ट्रांसफर करने के लिए हमारा TCP और UDP यूज होता है। ये डिफरेंस है TCP UDP में और IP में। अब बात आती है व्हाट इज UDP, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल दैट एड्स ओनली पोर्ट एड्रेस, चेकसम, एरर कंट्रोल एंड लेंथ इन्फॉर्मेशन टू द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर्स। जो अपर लेयर से डेटा आ रहा है उसको पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड करता है, चेकसम यानी एरर कंट्रोल के जितने भी मेजर्स हैं, लेंथ इन्फॉर्मेशन वो सारी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज टू द एप्लीकेशन। TCP इज़ अ रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आप जानते हैं कि दो डिवाइसेस के बीच में अगर कनेक्शन है, दो एंड टू एंड कनेक्शन के लिए, पहले कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, देन उसके बाद ट्रांसमिशन होगा। अ कनेक्शन मस्ट बी एस्टैब्लिश बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ द ट्रांसमिशन बिफोर आइदर कैन ट्रांसमिट डेटा। एट द सेंडिंग एंड ऑफ ईच ट्रांसमिशन TCP डिवाइड्स अ स्ट्रीम ऑफ डेटा इंटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सेगमेंट्स। ईच सेगमेंट इंक्लूड अ सीक्वेंस नंबर फॉर रीऑर्डरिंग आफ्टर रिसिप्ट together with the acknowledgement number for the segments received. Segments are carried across the internet inside of IP datagram. At the receiving end, TCP collects each datagram as it comes and reorder the transmission based on sequence number. है ना? अब यहाँ पर क्या है बेटा, sending end पर TCP क्या करता है, डिवाइड करता है एक स्ट्रीम ऑफ डेटा को स्मॉलर यूनिट्स में, जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, और हर सेगमेंट को अपना एक नंबर एक प्रोवाइड होता है टुगेदर विद द एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसके साथ एक्नॉलेजमेंट नंबर भी रहेगा फॉर द सेगमेंट रिसीव्ड। सेगमेंट्स आर कैरिड आउट अक्रॉस द इंटरनेट इनसाइड IP डेटाग्राम्स के अंदर सेगमेंट ट्रांसमिट करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर न्यूअर एप्लीकेशन सच एज वॉइस ओवर इंटरनेट। अदर एप्लीकेशन जैसे वॉइस हो गया, वीडियो हो गया, वो इंटरनेट पे सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर इन TCP IP इज इक्विवेलेंट टू द कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स इन द OSI मॉडल। आपने OSI मॉडल पढ़ा हुआ है, उसमें जो आपका कॉम्बिनेशन यानी जो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर है वो सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन तीनों के जो वर्किंग है वो सारी की सारी एक साथ यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर ही डील करती है। सो थैंक यू।